ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। कहा जा रहा है कि शहीद जवानों की संख्या बढ़ सकती है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि इस घटना में चीनी सेना के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इसमें से कुछ की मौत हो गई है और कुछ जख्मी हुए हैं। चीनी जवानों ने बिहार रेजिमेंट के जवानों पर हमला किया था और शहीद होने वाले ज्यादातर जवान बिहार झारखंड के रहने वाले हैं। शहीद जवानों में बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, हाजीपुर के सुल्तानपुर गांव के अमन भी शामिल है। वहीं झारखंड के साहिबगंज के डिहरी के भी रहने वाले एक जवान भी शहीद होने की खबर बताई जा रही है। तो लद्दाख में 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। बिहार के छपरा में जैसे ही जवान सुनील राय की शहादत की खबर पहुंची, घर में गम और शोक की लहर दौड़ गई। दो भाइयों में सबसे बड़े शहीद जवान सुनील राय की एक 3 साल की बेटी भी है। सुनील की पत्नी को मोबाइल फोन पर पति के शहादत की खबर मिली। शहीद सुनील के पिता सुखदेव राय 12 साल पहले सेना से रिटायर हुए थे। शहीद सुनील पर उनके गांव को गर्व। झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले कुंदन कुमार ओझा भी देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। 26 साल के कुंदन 1 महीने पहले ही एक बेटी के पिता बने थे। 3 साल पहले शादी हुई थी। पिता किसान है। परिवार के मुताबिक 5 महीने पहले ही वो घर आए थे और 15 दिन पहले परिवार की फोन पर बात हुई थी। शहीद के परिवार में गम और दुख तो है, लेकिन इस बात की खुशी और संतोष है कि उनके सपूत देश के लिए सबसे बड़े बलिदान देकर अमर हो गए। नए हिंदुस्तान ने जवाब भी दिया, शहादत का हिसाब भी लिया। जो कुछ हुआ उससे पूरा हिंदुस्तान जिससे की आग से सुलग उठा। ग्लावन घाटी में चीन के फौजियों ने भारतीय जवानों पर धोखे से जो हमला किया उसका जवाब एनएसी पर दिया गया और उस शहादत का क्रोध हिंदुस्तान की सड़कों पर नजर आया। ग्लावन घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट 14, यही था वो इलाका जहां भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी गई। मकसद था ये पता करना कि क्या कोर कमांडर लेवल बैठक के मुताबिक चीन की फौज पीछे हट रही है या नहीं। इस पार्टी की अगुवाई कर्नल रैंक के एक अधिकारी कर रहे थे और उनके साथ 10 जवान थे। लेकिन जैसे ही पेट्रोलिंग पार्टी PP-14 पर पहुंची, चीन के सैनिकों ने भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। इन सैनिकों के पास लोहे की रॉड और पत्थर पहले से जमा थे, जिसका सीधा मतलब था कि ये घात लगाकर भारतीय सैनिकों का इंतजार कर रहे थे और हमला बोल दिया। किए गए इस हमले का भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने करार के मुताबिक गोली तो नहीं चलाई, लेकिन बाजुओं के दम से चीन के नापाक फौजियों को जमींदोज कर दिया। चीन ने बताया नहीं कि ग्लावन घाटी के टकराव में उसे कितना नुकसान हुआ, लेकिन चीन के अखबारों ने हिंदुस्तान की ताकत को कबूला है। चीन की सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स में कबूला गया कि टकराव में चीन को भी सैन्य नुकसान हुआ। पत्थरों और रॉड से हुए हमलों के चलते पार्टी का नेतृत्व कर रहे कर्नल मौके पर शहीद हुए और 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, बाद में वीरगति को प्राप्त हुए। आपको बता दें कि ग्लावन घाटी में श्योक नदी के नजदीक से भारत की 250 किलोमीटर लंबी सामरिक सड़क को लेकर चीन ने बेजा एतराज जताया था। भारत ने अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण किया था, लेकिन चीन को डर था कि इससे भारत की सामरिक शक्ति बढ़ जाएगी। भारत का निर्माण रोकने के मकसद से चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की, जिसके चलते पहले भारतीय जवानों का चीन ने फौजियों से टकराव हुआ, उसके बाद बातचीत। लेकिन बातचीत की आड़ में चीन के सैनिकों ने ऐसा हमला कर अपने चाल चरित्र को दुनिया के सामने रख दिया। लद्दाख में पहले फेस ऑफ से ही भारत मुस्तैद और तैनात है। चीन जितना दबाव बढ़ा रहा है, भारत उसी जुबान में जवाब दे रहा है। चीन अब तक भारत अमेरिका संबंधों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक बता रहा था, लेकिन यूं इंडियन आर्मी की एक छोटी पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर चीन ने यह बता दिया कि वो क्षेत्र में अमन नहीं चाहता। और अब वक्त आ गया है जब नया हिंदुस्तान ड्रैगन को बता रहा है कि हर नापाक करतूत का जवाब मिलेगा, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।